जय हिंद। कैसे हो आप लोग? फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ एक नया वीडियो। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आज पढ़ाएंगे फिजिक्स। किस क्लास का? क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स पढ़ाऊंगा आज, क्लास ट्वेल्थ का। और इसमें हम आज चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन दूंगा, बीच में आपको 10 सेकेंड का समय दूंगा और आपको उस बीच में आंसर करना, और आप जितना भी आंसर करोगे उसका टोटल लिख करके आपको कमेंट में बताना कि आपने कितना आंसर किया, ठीक है? तो क्लास ट्वेल्थ का आज फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? ये स्लाइड मोटिवेशन के लिए है कि ड्रीम बिग सेट प्लान टेक एक्शन, यानी कि बड़ा सपना देखो, सपना आपका बड़ा होना चाहिए, उसके बाद जो सपना देखते हो आप उसके लिए एक शानदार सा प्लान होना चाहिए, रणनीति होना चाहिए, स्ट्रेटजी शानदार होना चाहिए, और जो प्लान बना आपका उस पर एक्शन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लान बनाए और समेट के घर में रख दिए, ठीक है? तो प्लान पे काम भी आपका जारी रहना चाहिए, उसके बाद ही कोई सक्सेस की तरफ जाता है, अदरवाइज सक्सेस का कोई चांस नहीं है। उसके लिए प्लान और मेहनत जरूरी है, ठीक है? तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन है आवेश का विमा क्या होता है? आवेश का विमा क्या होता है? आपने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा होगा, आवेश का विमा क्या होता है? ऑप्शन एक है 80 पे पावर -1, दूसरा है 80 पे पावर 2, तीसरा है A T, और चौथा है A पे पावर -1 T। तो आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। बीच में टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा 80। 80 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? आवेश का बीमा क्या होता है? 80 होता है आवेश का बीमा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? ऐसा राशि कौन सा है जिसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, वो आपको बताना है। तो टाइम देता हूं आपको, आप आंसर बताओ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्युतीय क्षेत्र। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 कूलम पर वोल्ट, ऑप्शन 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 3 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन 4 कूलम्ब मीटर। कौन सा आंसर होगा इसका आप बताओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है? ऑप्शन नंबर A KP cos θ/R², ऑप्शन 2 KP/R, ऑप्शन 3 KP/R², ऑप्शन 4 0। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 है धातु के बने गोले A को धन आवेश दिया गया तथा गोले A के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले B को उतना ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया,
जितना धन आवास गोले ए को दिया गया था, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन को मैं आसानी से समझा देता हूं, ठीक है। दो गोला है ए बी, दोनों का द्रव्यमान बराबर है, यानी ये एम, एक को बराबर मात्रा में प्लस दिया गया है और दूसरे को माइनस दिया गया है। एक को धनावेश दिया गया है ए को, और बी को ऋणावेश दिया गया है। तो आपको बताना है कि किसका द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा, जो भी होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी, धारा को घटाना चाहिए। ऑप्शन सी, लंबाई को बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन डी, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी धारा को घटाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात, आवेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए घटता है, ऑप्शन दो बढ़ता है, ऑप्शन तीन बढ़ या घट सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन चार अपरिवर्तित रहता, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, ऑप्शन नंबर तीन बढ़िया घट सकता है। तो क्योंकि हमको तो पता नहीं कि प्लस चार्ज दिया गया है कि माइनस चार्ज दिया गया है, यदि प्लस दिया रहेगा तो घट जाएगा और माइनस दिया रहेगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ है, एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए कम होता है, ऑप्शन बी बड़ा होता है, ऑप्शन सी बहुत ही ज्यादा कम होता है, ऑप्शन डी बहुत बड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नौ, एक गर्म तार एमीटर मापता है, एक गर्म तार एमीटर क्या मापता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान, ऑप्शन डी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। क्या होगा इसका उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? N1 N2 से बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी N2 N1 से बड़ा होगा, ऑप्शन सी N1 बराबर N2 होगा, ऑप्शन नंबर डी N2 0 होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
N2N1 से बड़ा होगा, ठीक है। द्वितीयक का लपेटा प्राथमिक से ज्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 6। चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा आप बताइए, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीला रंग के लिए कार्बन का कलर कोड होता है 6। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? ईएमएफ। विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसका इकाई क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन। चारों में से कौन सा आंसर होगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? वोल्ट। वोल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, जब प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो कौन राशि समान रहती है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ना तो विद्युत धारा ना ही विभवांतर। सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभवांतर। प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर समान रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन सा है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, बहुत पहले से ये क्वेश्चन सुनाई में आता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी जस्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक वोल्ट किसके बराबर होता है? ऑप्शन एक एक जूल इंटू कूलम, ऑप्शन बी एक कूलम बटे जूल, ऑप्शन सी एक जूल, ऑप्शन डी एक जूल प्रति कूलम। क्या होगा इसका उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक जूल पर कूलम्ब। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक जूल पर कूलम्ब। 16 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? केडब्ल्यूएच किसका मात्रक है? ऊर्जा का है, बल का है, शक्ति का है या बलागुण का है? किसका है? किलोवाट घंटा से हम देखते हैं कि बिजली वगैरह को मापते हैं, इतना हिंट दे दिया आप बताइए इसके बाद बिजली है क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। तो किलोवाट घंटा से क्या मापते हैं? ऊर्जा को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वोल्ट मीटर किसका मात्रक है? एक नंबर विद्युत धारा, बी प्रतिरोध, सी विभवांतर और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभवांतर, क्योंकि विद्युत धारा का होता है एम्पियर और प्रतिरोध का होता है ओम। क्या बच गया? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक चालक तार में T समय तक I धारा प्रवाहित होती है, यदि चालक का प्रतिरोध R है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? समय T है, धारा है I और प्रतिरोध है R, तो ऊष्मा क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई स्क्वायर आर टी। आप जूल का उष्मन नियम डायरेक्ट पढ़े होंगे, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत परिपथ का शक्ति क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वी स्क्वायर बटे आर, ऑप्शन बी वी आर, ऑप्शन सी वी स्क्वायर आर और ऑप्शन डी वी स्क्वायर आर स्क्वायर और आई, वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आई। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी स्क्वायर बटे आर। विद्युत परिपथ का शक्ति होता है वी स्क्वायर बटे आर। क्वेश्चन नंबर 20, स्वस्थ मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य है, उसका शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा? 1000 ओम, 10 ओम, 50000 ओम और 10000 ओम। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10000 ओम, ठीक है? बी सी क्वेश्चन था, क्वेश्चन समाप्त हुआ। और हाँ, एक बात, आप लोग में से बहुत लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हम जब भी अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है? और यदि आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आलोक ऑफिशियल 02 ये डालिए, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर जुड़िए, उसका क्या है आलोक ऑफिशियल 02 उसका भी है, और आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? और यदि वेबसाइट से पढ़ाई करना चाहते हैं, वेबसाइट में यदि लिखित रूप में आपको सभी विषय का कंटेंट चाहिए तो आप डायल कीजिए, आप सर्च कीजिए alokofficial.com, स्पेलिंग रहेगा alokofficial.com, ठीक है? इस पर आप सर्च कीजिए, गूगल पे आपको वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी विषय का पढ़ाई कर सकते हैं। सारा कंटेंट VBA और सब संभावित प्रश्न है, ठीक है? जय हिंद।